भारतीय जनता पार्टी ने कल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव करवाए। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर शुक्रवार को संपन्न एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव कराया है वह सरासर गैर कानूनी है। उन्होंने बीजेपी को चेताते हुए कहा कि हमारी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी के इशारे पर गलत तरीके से एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए गए हैं। एमसीडी को चलाने के लिए भारतीय संविधान में दिल्ली नगर निगम विधेयक है। डीएमसी एक्ट के मुताबिक निगम की मीटिंग की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर शैली ओबेरॉय तय कर सकती है। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं। वहीं सीएम आतिशी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। भारतीय जनता पार्टी ने कल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव करवाए। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश, संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम कानून बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं, तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं, उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें यह स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा, नंबर वन। नंबर टू, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस की रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर तीन, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर होंगी और अगर मेयर नहीं होंगी तो उनके स्थान पे डेप्यूटी मेयर होंगे। यानी स्टैंडिंग कमिटी का जो एक मेंबर का चुनाव है उसकी तारीख, उसका समय, उसकी वेन्यू सिर्फ और सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं। और जब चुनाव के लिए मीटिंग होगी, कॉरपोरेशन का हाउस बैठेगा, उसकी अध्यक्षता सिर्फ मेयर कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये देश का कानून कह रहा है
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कह रहा है, उस एक्ट के तहत बने हुए बायलॉज और रेगुलेशंस कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एलजी साहब के पास पावर ना होते हुए एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, बिना अपने बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर या डेप्यूटी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी, एक एडिशनल कमिश्नर को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने और उनके अफसरों ने कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई।